हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है? ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ध्यान रखेंगे 1956 में। नेक्स्ट देखेंगे, असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। नेक्स्ट देखेंगे, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ध्यान रखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, नागालैंड राज्य कब बना था? ध्यान रखेंगे 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था? ध्यान रखेंगे 56वां संशोधन 1987 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था? 69वां संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना क्रमशः 1-9 तथा 15 नवंबर को 15 नवंबर 2000 को हुई। नेक्स्ट देखेंगे, तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर हुआ? ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की संप्रभुता निहित है? ध्यान रखेंगे जनता में। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है? ध्यान रखेंगे सोवियत संघ से। नेक्स्ट देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखेंगे, मूल मौलिक मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 6152 है। नेक्स्ट देखेंगे, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसको? केंद्र व राज्य दोनों को। ध्यान रखेंगे, वन एवं पर्यावरण विषय है ध्यान रखेंगे समवर्ती सूची का। नेक्स्ट देखेंगे, समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा समाचार पत्र विषय है ध्यान रखेंगे समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस पंचायती राज भूमि सुधार गैस कृषि कानून व्यवस्था विषय है किसका विषय है? ध्यान रखेंगे राज्य सूची का। रेल डॉक रक्षा टेलीविजन रेडियो बैंकिंग बीमा जनगणना विषय है किसका? ध्यान रखेंगे संघ सूची का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एकल नागरिकता प्रभावित है ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखेंगे, नागरिकता विषय है ध्यान रखेंगे संघ सूची का। नेक्स्ट देखेंगे, नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ध्यान रखेंगे जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। नेक्स्ट देखेंगे देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, ध्यान रखेंगे 5 वर्ष तक। नेक्स्ट देखेंगे पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कितनी बार, ध्यान रखेंगे 6 बार। अंतिम बार कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, ध्यान रखेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है किसको, ध्यान रखेंगे भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने, ध्यान रखेंगे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का किया गया है, ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, ध्यान रखेंगे संसद को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, ध्यान रखेंगे केशवानंद भारती वाद ने। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, ध्यान रखेंगे सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया, ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1)(क) में। नेक्स्ट देखेंगे चौथा स्तंभ इंगित करता है, ध्यान रखेंगे प्रेस को। नेक्स्ट देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट देखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट देखिएगा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(क) में। छियासीवें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट आदेश जारी करता है, ध्यान रखेंगे 5। नेक्स्ट देखेंगे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है, ध्यान रखेंगे परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है, ध्यान रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रीट याचिका है, ध्यान रखेंगे हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखेंगे नीति निर्देश का सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 35, 36 से 51 तक, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित हैं, ध्यान रखेंगे संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया, ध्यान रखेंगे पूर्व सोवियत संघ से।
भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संसद के 3 अंग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अस्थाई एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है ध्यान रखेंगे राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था ध्यान रखेंगे सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ध्यान रखेंगे साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं ध्यान रखेंगे बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है ध्यान रखेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक, ध्यान रखेंगे 60 दिन। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है ध्यान रखेंगे 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है ध्यान रखेंगे 6 माह का।